पब्लिक टीवी आपकी आवाज। भाजपा जिला और महानगर कमेटी की ओर से रविवार को पंचायत भवन सभागार में सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। समारोह में योगी सरकार में दोबारा कैबिनेट मंत्री बनाए जाने पर चौधरी भूपेंद्र सिंह का फूलमालाओं से स्वागत किया गया, साथ ही उन्हें गदा और तलवार भी भेंट की गई। कैबिनेट मंत्री चौधरी भूपेंद्र सिंह ने कहा कि भाजपा एक ऐसी पार्टी है जो विचारधारा को जोड़ने का काम करती है। सबका साथ सबका विकास भाजपा का नारा है। योगी सरकार ने 5 साल इस नीति पर काम किया। हम सरदार पटेल के समर्थक हैं, जो हमारे देश को एक करने की बात करते हैं, देश को तोड़ने की बात करने वाले जिन्ना के समर्थक हैं। नगर विधायक रितेश गुप्ता ने कहा कि लगन और मेहनत से काम करने वाला कार्यकर्ता भाजपा में शीर्ष तक पहुंच जाता है। इस दौरान एमएलसी डॉक्टर जयपाल सिंह व्यस्त, एमएलसी गोपाल अंजान, महापौर विनोद अग्रवाल, एमएलसी डॉक्टर हरि सिंह ढिल्लो, गिरीश वर्मा, हरिओम शर्मा, राजपाल सिंह चौहान, धर्मेंद्र मिश्रा, राजेश चुन्नू, विजयभान सिंह, के मिश्रा, राजन विश्नोई, कमल गुलाटी, श्याम बिहारी शर्मा आदि मौजूद रहे। माननीय योगी जी के नेतृत्व में, देश के प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में हमने इस प्रदेश में बड़ी सफलता अपने कार्यकर्ताओं की मेहनत और उनके परिश्रम से हमें मिली है। हम लोग जो हमारे प्रदेश की उन्नति के लिए, उनकी बेहतरी के लिए काम करने हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में काम करेंगे और उत्तर प्रदेश को एक बेहतर उत्तर प्रदेश बनाने के लिए हम सब लोग संकल्प के साथ आगे बढ़ रहे हैं। नहीं, अच्छे मन से काम करेंगे प्रदेश की बेहतरी के लिए, क्षेत्र की बेहतरी के लिए। माननीय योगी जी के नेतृत्व में जो भी हमारा एजेंडा है, बिजली, पानी, सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा, रोजगार, सब पर कार्य योजना हमारी बन गई है, बेहतरी से इस पर काम करेंगे। ये विधान परिषद की 36 सीटों का स्थानीय निकाय प्राधिकरण का चुनाव है और भारतीय जनता पार्टी की पिछली सरकार ने इन स्थानीय निकायों के सशक्तिकरण के लिए जो काम किए थे, उन कामों के आधार पर, अपने कार्यकर्ताओं की मेहनत और सक्रियता के आधार पर हम लोग इस क्षेत्र में अधिकांश सीटें जीतने जा रहे हैं और मुझे विश्वास है कि हमें इन चुनावों में उनका आशीर्वाद और स्नेह मिलेगा। भाजपा अधिकांश सीटों पर विधान परिषद की निर्वाचित होकर हमारे लोग विधान परिषद में पहुँचेंगे। पब्लिक टीवी आपकी आवाज़।